मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा एक्सेलरेशन और हमने स्पेशल केस देखा था जिसमें हम बात कर रहे थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमने तीन इक्वेशन डिराइव की थी। वो तीन इक्वेशन एक बार हम लिख लेते हैं। तीनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तीनों इक्वेशन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पर उस पर बेस्ड क्वेश्चन, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम 11th क्लास में देखेंगे, जो कि अब इन लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तीन इक्वेशन होता है। अब इन तीनों इक्वेशन का कैसे यूज करना है और क्वेश्चन में हम कैसे पता करेंगे कि किस इक्वेशन का यूज हमें करना है, तो क्वेश्चन पढ़ के हमको समझ में आता है। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपको क्लियर होने लगेगा कि किस इक्वेशन का हमको यूज़ करना है। लास्ट वाले इक्वेशन का यूज़ हमें मैक्सिमम टाइम तब करना है जब टाइम की बात नहीं हो। क्वेश्चन में किसी भी टाइप का टाइम गिवन नहीं हो तो लास्ट इक्वेशन का यूज़ हम करते हैं। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड ही बात हो रही तो लास्ट इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब फाइनल वेलोसिटी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है किसी भी टाइम टी पर। और फर्स्ट इक्वेशन में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते हैं, केवल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की बात करते हैं, तब फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने है। कार एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट एट कॉन्स्टेंट रेट अल्फा फ्रॉम सम टाइम। कॉन्स्टेंट रेट अल्फा मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन हमको दे रखा है। आफ्टर विच इट डिसलरेट्स। हमको पता है डिसलरेट का मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी, फिर उसका वेलोसिटी बीटा रेट से डिक्रीज होता है और वो रेस्ट पे आ जाता है। इफ़ द टोटल टाइम इलेप्स्ड इन इज टी सेकेंड, टोटल जर्नी में टाइम कितना लगता है, टी सेकेंड लगता है, तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी कितना वो अटेन करेगा वो फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, जब हम वन डायमेंशन मोशन पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट टॉपिक हमारे पास में आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ओके, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वीटी ग्राफ हमारे पास में आता है। अगर हम इसका वीटी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो थोड़ा सा हम बेसिकली यहीं पे देख सकते हैं, हमने एक्स एक्सिस पर, हमने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिया है और एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है। यहाँ पर हमने टाइम ले लिया है और यहाँ पर क्या लिया है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रहा है। ओके, वेलोसिटी पहले इंक्रीज होना है, धीरे 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 इंक्रीज होगा। ओके, और मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाएगा वी मैक्स। मैक्सिमम वेलोसिटी हमने मान लिया कि वी मैक्स पहुंच गया, फिर बीटा रेट से वेलोसिटी डिक्रीज होके फिर से क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटरवल में हम मान लेते हैं टाइम लगा टी वन, वेलोसिटी इंक्रीमेंट में टाइम लगा टी टू और वेलोसिटी डिक्रीमेंट में टाइम लगा टी टू। ओके, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम टाइम टी वन टी टू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट की, फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, फॉर अल्फा एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन, अल्फा जब एक्सेलरेशन हो रहा है तब इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू हम यहाँ पर बताएं, हमें v मैक्स लिखना है। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसने कहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और एक्सेलरेशन है अल्फा, टाइम है टी वन। तो यहाँ से हमको टी वन पता चल जाएगा, टी वन इज इक्वल टू v मैक्स डिवाइडेड बाय अल्फा। सेम एज इट इज़ अगर हम बीटा डिसलरेशन की बात करें, फॉर बीटा डिसलरेशन, बीटा डिसलरेशन की अगर हम बात करें, ओके, तो हम लिखेंगे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा है अगेन इट कम टू रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है वी मैक्स था। ओके, और यहाँ पर रिटार्डेशन है, डिसलरेशन है, तो माइनस बीटा इंटू टी टू हम लिखेंगे। यहाँ से हमको टी टू का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर हमने यहाँ पर
बीटा को माइनस बीटा क्यों लिया, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। हमको यहाँ पर गिवन है कि टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टी, तो यहाँ पर टी वन का वैल्यू पुट करेंगे वी मैक्स बाय अल्फ़ा, टी टू का वैल्यू पुट करेंगे वी मैक्स बाय बीटा इक्वल टू टी। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा वी मैक्स, वी मैक्स हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और एलसीएम लेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लिया, ऊपर डिनोमीटर में, न्यूमरेटर में हमको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, डिनोमीटर में मिलेगा अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर हमने वी मैक्स कैलकुलेट किया, वी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स इक्वल टू यहाँ पर हमको पता चल रहा है टी इंटू अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ दी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हुआ, अभी हमने सॉल्व किया है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। अब हम बात करेंगे बी पार्ट के डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें फाइंड करना है। हमको टी वन पता है, हमको टी टू पता है, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमको फाइनल वेलोसिटी पता है, हम दोनों मोशन में लास्ट वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, अलग अलग हम यूज़ करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए लास्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। ओके, फॉर फर्स्ट पार्ट फॉर अल्फा एक्सेलरेशन, ओके, तीसरा इक्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पर वी स्क्वायर मतलब वी मैक्स और इसका स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो था, प्लस टू अल्फ़ा एस वन। तो यहाँ से एस वन हमको पता चलेगा वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू अल्फ़ा। ओके, सेम एज इट इज फॉर बीटा डिसलरेशन, अगर हम बीटा डिसलरेशन की बात करेंगे तो वापस से हम लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी वी मैक्स था, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे माइनस टू बीटा एस टू। ठीक है, तो यहाँ पर S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यों लिया हमने वो आपको पता है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है, तो ये हो जाएगा V max स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बीटा। ओके, अगर हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करें, ओके, अब हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इक्वल होगा, है ना। तो हम डिस्टेंस कवर्ड की बात करें या टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो होगा S इक्वल टू S1 प्लस S2। S इज इक्वल टू S1 का वैल्यू कितना है, V max स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा प्लस S2 का वैल्यू कितना है, V max स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बीटा। ओके, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा वी मैक्स स्क्वायर बाय टू अल्फ़ा इंटू बीटा इन द ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। ये कैलकुलेशन शायद आपको समझ में आ गया होगा, हमने यहाँ पर वी मैक्स बाय टू कॉमन लिया और एलसीएम लिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, न्यूमरेटर में आएगा अल्फ़ा बीटा डिनोमेटर में आएगा। वी मैक्स का वैल्यू हम लास्ट वाले पार्ट से, ए पार्ट से हम पुट करेंगे, वी मैक्स का वैल्यू हमारा कितना आया था, आया था अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो एस इज इक्वल टू हमको मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू अल्फ़ा, बीटा तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहाँ पर हम पुट करेंगे अल्फ़ा बीटा इंटू टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, फाइनली हमको मिलेगा अल्फ़ा बीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर टी नहीं टी स्क्वायर आएगा। सो दैट इज़ द आंसर, दैट इज़ आंसर। ओके, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये बेसिक क्वेश्चन था जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हम तीनों इक्वेशन का यूज़ कैसे करते हैं। इसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो आपको सारे कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है।